बात हरियाणा की राजनीति की हो और उसमें अनिल विज साहब का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। अनिल विज साहब शायद जो नई नवेली सरकार है इससे थोड़े से खफा हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि वो जल्दी ही नाराज़ होते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं तो उनको हम मना लेंगे, लेकिन अभी इन दिनों अनिल विज नए नए अंदाज में नज़र आ रहे हैं। कभी अनिल विज गोलगप्पे खाते नज़र आते हैं तो कभी एक बच्ची के साथ खेलते हुए, तो अब जो नया अंदाज है वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अनिल विज गाना गा रहे हैं, तो ये जो अनिल विज के अलग अलग अंदाज हैं ये लेकर आ रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। विज साहब कभी खफा होते हैं तो कभी खुशनुमा अंदाज में होते हैं। हरियाणा में नई सरकार बनी, नए सीएम बने तो अनिल विज की नाराजगी सामने आई। ये नाराजगी इतनी थी कि वो नई सरकार के शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे। अब विज साहब का नया अंदाज सामने आया है। अनिल विज चाय की दुकान पर एक गाना गुनगुनाते नजर आए। अब उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब विज साहब विधायक दल की बैठक छोड़कर निकले थे। वो सीधे अंबाला पहुंचे और बच्ची के साथ खेलते नजर आए थे। अब आपको एक दिन पहले की तस्वीर दिखाते हैं जब अनिल विज अंबाला में गोलगप्पे खाते नजर आए थे। ये अनिल विज की नाराजगी के दौर की अलग अलग तस्वीरें हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि अनिल विज बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका स्वभाव है नाराज होने का, वो जल्दी मान भी जाते हैं। हम लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है, जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था। उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे, वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है। अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे, हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है उनका। वहीं नए मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि अनिल विज नाराज नहीं है और उनका पूरा आशीर्वाद मिला है। देखिए, इसके ऊपर बैठ करके उच्च लीडरशिप से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने चर्चा की है और जैसा भी संकेत आदेश होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। ये आपके पास जानकारी हैं, अभी मेरे पास जानकारी नहीं। इस हिसाब से कुछ संपर्क बातचीत जो एक ऑफिशियली आप लोगों को करनी थी, कोई वजह होती है जैसा है, उसके बाद हो पाई? नहीं है, विज साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। मेरी बात भी उनसे हुई थी, कल भी हम विधानसभा में इकट्ठे थे, उनका खूब आशीर्वाद है। देखिए, ये संगठन के अंदर बैठ करके सारे तय होते हैं और संगठन जैसा दिशा निर्देश देता है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। बहरहाल, अनिल विज नाराज हैं या नहीं, अगर नाराज हैं तो कैसे मानेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस दौर का अनिल विज का अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी के साथ बिग न्यूज बिग शो को तो विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।